लो देखो भाई, अभी किताबें खोली नहीं तो नींद के झोंके आना शुरू हो गए। इस तरह इंतजार पास करोगी तुम तो? वो मामा सुबह के उठी हुई, थोड़ी बहुत नींद तो आएगी ना, बेशक इतनी रात हो रही है। अच्छा, और दोपहर को 2 घंटे कमरा बंद करके कौन सोया था? तुम क्या समझती हो तुम्हारी माँ को कुछ पता नहीं चलता? सब कुछ देखती हूँ मैं। नहीं, वो खाना खाने के बाद थोड़ी बहुत तो नींद आएगी ना। बस तुम्हें ही आती है नींद। आयान को देखो, कितना अच्छा पढ़ता है वो, मैट्रिक से लेके बीए तक फर्स्ट पोजीशन लेता रहा है वो। एक तुम हो, खानदान में बदनामी करा के दम लोगी। अब वो इंसान थोड़ी ना, वो तो पढ़ने वाले को मशीन है, ना जाने कैसे पढ़ लेता है। और आयत, मेरी बात तुम कान खोल के सुन लो, इस दफ़ा अगर तुम्हारे एग्जाम्स में कम नंबर आए ना तो फौरन से पहले तुम्हारे हाथ पीले कर दूंगी, तुम्हें इस घर से रुखसत कर दूंगी, समझी तुम? अब ज़्यादा मासूम बनने की एक्टिंग मत करो, दूध ख़त्म करना। और अभी अगर मैंने तुम्हें सोते हुए दिखा ना तो तुम्हारी शामत कर दूंगी। थोड़ी देर में फिर चक्कर लगाती हूँ। ये अच्छी तरह से चेक कर लें, यही फाइल है। कभी तो कोई चीज़ ढंग से रख लिया करें, हर चीज़ मैं ही ढूंढ के दूँ आपको। हाँ यही है। अब ये आयत कहाँ रह गई? आज उसका पेपर भी है, कहीं लेट ही ना हो जाए। आ रही होगी, ये देखें आ गई। सुनो, ध्यान से पेपर करना, नंबर कम नहीं आने चाहिए वरना पिटाई करूँगी। बहुत दुआएं, अल्लाह मियां तुम्हें कामयाब करे। जाओ जाओ, बाय बाय। हाँ, दुआ पढ़ के शुरू करना पेपर। अल्लाह मियां मेरी बच्ची का अच्छा पेपर हो जाए इस दफ़ा, तो अच्छे नंबर लेके आ जाए। सारे ख़ानदान में मेरी बदनामी हो जाएगी वरना। अरे दूध चूल्हे पे रख के आई थी। बज गए, सिर्फ आज का दिन है मेरे पास, कल पेपर है। या कुछ ज्यादा ही सो लिया। अब अम्मी नाश्ता भिजवा दें, मैं फ्रेश होने जा रहा हूं, सिर्फ 15 मिनट रह गए मेरे पास। यार एक तो मेरा दिल चाहता है कि सयान को ना घर से गायब कर दो। भला मैं क्यों करने लगी उस किताबी कीड़े से शादी? अरे उससे शादी करने से तो अच्छा कि मैं किसी अनपढ़ गवार से शादी कर रहा हूं, या फिर अपना गलत। वाह वाह वाह, क्या बात है, यहाँ तो शादी के प्रोग्राम बन रहे हैं। और बेचारी चची जान समझ रही है कि बच्ची पढ़ पढ़ के हलकान हुए जा रही है, मगर यहाँ तो कहानी कुछ और। आपकी आमद की वजह? मम्मी और चची जान बुला रही हैं, आ जाइए कुछ खा लीजिए, जिस इकलौते काम के लिए आपका वजूद इस दुनिया में भेजा गया। अच्छा, आपको मेरे खाने से कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ प्रॉब्लम होती है ना, जब लोगों को पता चलता है ना कि नालायक पिट्ठू मेरी कजन है, तो शर्म के मारे जमीन में गड़ जाने को दिल करता है मेरा। तो ना बताया करे लोगों को, सिंपल। अरे मैं तो किसी को गलती से भी इस बात का जिक्र ना करूं, ये तो तुम ही सबको बताती फिर रही हो कि अयान अहमद पिछले 3 सालों से बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड विन करने वाला ये हैंडसम लड़का तुम्हारा कजन है। ऐसी किसी खुशफहमी का शिकार मत रहिए, और आपका कीमती वक्त ज़ाया ना जाए यहाँ से। शाबाश, आ जाइए खाना खा लीजिए, सैंडविच खत्म हो जाएंगे फिर रोती फिरोगी। कब जान छूटेगी इस इंसान से। कहानी सुननी पड़ेगी जुबानी तेरी मेरी। अयान भाई, आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा कर दिया। जाओ। गुड बॉय। अच्छा वो मेरा इनाम? तो तुम इनाम बहुत मांगते हो, जरा सा काम करते हो और इनाम मांगने पहले पहुंच जाते हो। ये लो। काम भी तो करता हूँ, तो डॉलर दे दें। चाहिए कि नहीं चाहिए? डॉलर का बच्चा। ऐसे नींद की गोलियां पीस पीस के घोली है ना मिस्टर ज़हीन की कॉफी में, और भिजवाई भी माने के हाथ है ताकि शक भी ना। हाय कितना मजा आएगा ना अगर सुबह सोता रह जाए और एग्जाम मिस कर दे। हाँ। लेकिन बड़ी मामा तो उसे उठा देंगे। क्या सोच रही है बेगम साहिबा? आयत के बारे में सोच रही थी। फराह भाभी और अहमद भाई कई बार जिक्र कर चुके हैं आयत और आयान के रिश्ते का, समझ में नहीं आ रहा उन्हें क्या जवाब दें। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारी आयत हमारी आंखों के सामने रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि आयान इस रिश्ते के लिए कभी राज़ी नहीं होगा। क्यों भाई, वो क्यों नहीं राज़ी होगा? अब आप खुद सोचें, आयान इतना लायक फायक और ज़हीन लड़का है और हमारी आयत ज़माने भर की, उसने तो आलमी रिकॉर्ड कायम किया है अपना। कमाल करती हैं बेगम साहिबा आप भी। आयान ने आयत से शादी करनी है, उसे नौकरी नहीं देनी जो आयत मैरिट पे पूरी नहीं उतरती। कह तो आप ठीक रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल में एक खदशा सा है। सारे खदशात दिल से निकाल दो। अगर आयत के नसीब में होगा आयान का साथ तो आयत की शादी आयान से ही होगी, और अगर उसके नसीब में कोई और होगा तो उससे शादी होगी। ये भी ठीक है, कभी कभी अच्छी बातें कर जाते हैं समझदारी की। मैं हमेशा ही ठीक कहता हूँ और अच्छी बातें करता हूँ। सोने की तैयारी कीजिए, मुझे सुबह साइट पे जल्दी पहुँचना है। हाँ चले, मैं आती हूँ। या अल्लाह अपना रहम करना। कौन है? ये आपके लिए कॉफी। अगर नींद नहीं आ रही तो इसको पी लीजिएगा, बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। गुड नाइट। मैं कौन हूँ ये तू बता, मैं क्या करूँ ओ मेहरबान तुम पे। मानी मियाँ यार, ये लो पूरे 500 रुपये तुम्हारे जासूसी का इनाम। मोहतरमा पे अब अच्छी तरह नजर रखनी है तुमने, समझ आई? ठीक है, आप टेंशन ही ना लें, जब तक मैं हूँ आयत बीबी आपके खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकती। शाबाश, अब चलो भागो यहाँ से, इससे पहले कि आयत तुम्हें देख ले। ठीक है। वैसे भी मुझे तुमसे कोई अच्छी उम्मीद तो है नहीं, लेकिन तुम्हें पढ़ना है तो घर में बैठ के पढ़ो प्लीज। देखिए अगर मैं फेल होगी तो फिर आपकी गलती होगी, लेकिन एक बात है, USA जाके पढ़ना और फिर उसके बाद कोई पाकिस्तान वापस आएगा? गलती मेरी है, मुझे तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखनी चाहिए थी। अरे बस करो, समझा दूंगी मैं इसे। क्या समझाओगी? अरे ये कोई बच्चा है कि इसे अपने अच्छे बुरे की तमीज नहीं है। डर तो तुम्हें इतना दूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगी। खुद तो किसी काबिल हो नहीं और दूसरों की काबिलियत से जलती हो। अयान अहमद तुम जैसी चीप लड़कियों को हैंडल करना जानता है, समझी? वहाँ की हवाएं बड़ी जालिम हैं, अपना बना लेती हैं। अरे नहीं भाई साहब, वो आएगा जरूर, वापस आएगा। इतना कमजोर नहीं है हमारा और उसका रिश्ता कि वो सारे नाते तोड़कर वहीं का हो जाए। अल्लाह करे इस दफ़ा तो फेल ही हो जाए। पता नहीं सफला तो उनकी मिसालों से कब जान छूटेगी। हर कोई आयान ये तो यान वो। अब भला दुनिया में सब लायक फैक थोड़ी होते हैं, कोई हमारे जैसे भी होते हैं जो रट्टू तोते नहीं होते बल्कि तख्लीकी जहन के मालिक होते हैं। हम जैसे लोग नींद में कोई कारनामा ही अंजाम करेंगे, इससे सो जाना ही बेहतर है। मेरी बात कान खोल के सुन लो, कोई जरूरत नहीं तुम्हें किसी सहेली के घर जाने की। जो भी तैयारी करनी है यहाँ बैठ के करो। मामा प्लीज जाने देना, महक की तैयारी करनी है। मैं फेल होगी तो? वैसे भी मुझे तुमसे कोई अच्छी उम्मीद तो है नहीं, लेकिन तुम्हें पढ़ना है तो घर में बैठ के पढ़ो प्लीज। देखिए अगर मैं फेल होगी तो फिर आपकी गलती होगी। मैथ में ही मुश्किल है ना? कोई बात नहीं है, मैं आयान से कहूँगी, वो तुम्हें तैयारी करा देगा। आयान? जी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको वो मिस्र ज़हीन का एहसान लेने की। अरे कुछ तो शर्म करो, तुमसे बड़ा है, अदब से बात किया करो उससे। मैं नहीं जानती, मैंने नहीं पढ़ना उससे। मुझे तो तुम्हारी समझ में नहीं आती, अगर फेल हुई ना तो मैं तुम्हारी शामत कर दूंगी, दिमाग खराब करके रख। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। वालेकुम सलाम बेटा। क्या बात है चची जान, आप फिर आयत की वजह से परेशान हैं? क्या करूं, इसकी मैस की तैयारी पूरी नहीं हुई। तुम एक काम करो ना, इसको मैस पढ़ा दिया करो। मैं इसे पढ़ाऊं? अब मैं जानती हूँ तुम्हें खुद अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, लेकिन अगर तुम इसे पढ़ा दोगे तो इसकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है चाची जान, मैं वक्त निकाल लूँगा। तुम ऐसा करना कि रोज़ ठीक 3 बजे लाउंज में किताबें लेके आ जाना। ओके? थैंक यू बेटा, थैंक यू। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, लंबी ज़िंदगी दे। मैं तुम्हारे लिए चाय बना के आती हूँ। पूरे 3:05 कहाँ ये लड़की? मानी, मानी। जी भाई। आयत बीबी को बुलाकर लेकर आओ और उसे बताना पूरे 5 मिनट लेट है वो। मैं गया था, लेकिन वो कह रही थी कि आपने पढ़ाने का वक्त बदलें क्योंकि उनके आराम का वक्त है। सारा दिन पूरी रात आराम ही तो करती है, 2 दिन नहीं करेगी तो मर नहीं जाएगी। जाओ बुला के लेकर आओ। ठीक है मैं जाता हूँ। और कुछ कहना है? नहीं, जाओ। वक्त है पढ़ाई करवाने का। ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। पढ़ाऊंगा तो मैं इसी वक्त पढ़ाऊंगा, नहीं तो अपना कोई और बंदोबस्त करो। इतना फारिग नहीं हूं मैं। मामा का डरना ना था तो बताती नहीं। ये आप क्या फरमा रही हैं? और जाने के लिए किसने कहा है? नहीं, मेरी मजाल है कि मैं जाऊं भला। आप वो बुक्स लेने जा रही थी, ले आओ अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ हाँ ले आओ, और जल्दी आना, पहले 20 मिनट जाया कर दिए तुमने। मैं कौन हूँ ये तू बता, मैं क्या करूँ ओ मेहरबान। क्या करूँ यार, सारा प्लान खराब हो गया। वो मामा को पढ़ाई का बहाना बनाया था और उस बुढ़ाकू आयान ने अपनी खिदमत हाजिर कर दी। ओ मेहरबान, बारिशों के पानी से क्यों ऐसी अयान और मिस्टर कूल, हद है रिजा। हरकतें देखिए मिस्टर हैंडसम और मिस्टर कूल की, एकदम जंगली। मुझे नीचा दिखाने के लिए ना हाथ से कोई मौका जाने नहीं देता रिजा। अब बकवास ना करो, वो मुझे सिर्फ जलील करता है, प्यार नहीं। मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता रिजा। सुननी पड़ेगी जुबानी तेरी मेरी कहानी। अच्छा, ऐसा भी कर लेते हैं, और अगर ऐसा ना हुआ तो के पेपर्स कहाँ तक पहुँचे? बस यही आखिरी हफ्ता है। तो आगे उसका क्या इरादा है? आपको बताया तो था कि वो USA जाना चाहता है, और मेरा ख्याल है उसने अप्लाई भी कर दिया। चल ठीक है, अपना शौक़ पूरा कर ले, लेकिन एजुकेशन के बाद उसे वापस यहीं पाकिस्तान आना होगा, और करियर भी जो है उसने यहीं पर ही बनाना होगा। आखिर हमारा अपना चलता हुआ बिजनेस है, वही संभालेगा। मैं तो खुद चाहती हूँ, देखे ना हमारा इकलौता बेटा है, और मैं चाहती हूँ कि हमारी नज़रों के सामने रहे। लेकिन एक बात है, USA जाके पढ़ना और फिर उसके बाद कोई पाकिस्तान वापस आएगा? अयान को वापस आना होगा, उसको ये बात जो है ना अच्छी तरह समझा दीजिए। ठीक है, मैं बात करती हूँ उससे। अच्छा खैर, वो उस दिन आपसे वो काम के सिलसिले में बात हो रही थी, तो वो कुछ आगे बढ़ा या नहीं? कम ही है। मैं कोई बात नहीं करूँगी, आप कर लीजिए जो करो बस। उफ़ अल्लाह, सारी अलमारियाँ चेक कर ली, कुछ भी तो नहीं निकला। मैं बड़े बाबा की डांट से कौन बचाएगा? क्या है ये? क्या है ये? मेरे एतमाद, मेरे भरोसे को तुम यूं ठेस पहुंचाओगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। गलती मेरी है, मुझे तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखनी चाहिए थी। अरे बस करो, समझा दूंगी मैं इसे। क्या समझाओगी? अरे ये कोई बच्चा है, कैसे अपने अच्छे बुरे की तमीज नहीं है। इसके अलावा और ये क्या क्या हरकतें करता फिर रहा है। खुदा के लिए चुप हो जाए, अब नहीं करेगा ये आइंदा ऐसा, मैं आपसे वादा करती हूँ। अच्छी तरह से समझा दें इसे कि इसके अलावा भी जो जो ये हरकतें कर रहा है ना, ये खत्म कर दे, ना मेरे हाथों ये खत्म हो जाएगा। बाबा ऐसा कुछ नहीं, ये सिगरेट भी मेरे दोस्त की है। खामोश, सुनना चाहता मैं, और इस किस्म के आवारा दोस्तों से अपने आप को आइंदा दूर रखो। ये क्या हरकत थी? तुम्हारे बाबा को कितना गुस्सा आया। मम्मा, आई एम सॉरी। मस्का मत लगा मुझे। बाबा से बचाने का शुक्रिया। सही बेइज्जती हो रही होगी उसकी। ये सब तुमने किया ना? नहीं, मैं क्यों जाऊंगी आपके कमरे में तलाशी लेने? मैं क्यों तलाशी लूंगी आपके कमरे की? ये झूठ मत बोलो, ये हरकत सिर्फ तुम ही कर सकती हो। और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे कमरे में जाने की? हाँ, बाजू छोड़े मेरा। छोड़ूंगा तो नहीं तुम्हें। अब आइंदा मेरे कमरे में या मेरी किसी भी चीज के पास गई ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझी? दर्द हो रहा है, छोड़े बाजू। दर्द तो तुम्हें इतना दूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगी। खुद तो किसी काबिल हो नहीं और दूसरों की काबिलियत से जलती हो। अयान अहमद तुम जैसी चीप लड़कियों को हैंडल करना जानता है, समझी? मुझे तो लगता है कि फिलहाल ये प्रोजेक्ट हमारे बस की बात नहीं है। हाँ, मेरा भी ख्याल है तुम ठीक ही कह रहे हो। अब इस उम्र में इतनी हिम्मत नहीं है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट पर हाथ डाला जाए। खैर से आयान अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके आ जाए तो फिर अपने तरीके से बड़े पैमाने पर इस प्रोजेक्ट को मैनेज कर लेगा। आ गया तो तब है ना, वहीं का ना होके रह जाए। वहाँ की हवाएं बड़ी जालिम हैं, अपना बना लेती हैं। अरे नहीं भाई साहब, वो आएगा, ज़रूर वापस आएगा। इतना कमज़ोर नहीं है हमारा और उसका रिश्ता कि वो सारे नाते तोड़कर वहीं का हो जाए। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। भाईजान इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए, वो आप फिर कब निकलेंगे? सुबह मैं तैयार रहूँ। देखो हाल में हमें कुछ 8:30 तक तो प्रोजेक्ट पे पहुँच जाना चाहिए। पिछली दफ़े प्रोजेक्ट पे जो काम हो रहा था उसकी रफ्तार से मैं ज़्यादा मुतमईन नहीं था। अरे बेटा, यहाँ का मैं क्या सुनाऊँ? तुम क्या गए कि इस घर की रौनक ही चली गई। तुम्हारे अब्बू और चाचू तो सुबह ऑफिस चले जाते हैं और शाम को जब ऑफिस से आते हैं तो हर वक्त अपनी फाइलों में सर खपाते हैं। और आयत तो बिल्कुल ही बदल गई। हर वक्त पढ़ाई में लगी रहती है। हम तो उसके कह के और बातें सुनने को तरस गए। और रह गए मैं और तुम्हारी चाची, तो वो तो इस घर के सन्नाटे से घबरा गए। यकीन नहीं आ रहा कि वो नालायक बदल सकती है। ये पढ़ना वरना उसकी बस की बात नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो अयान, अरे इस दफ़ा तो आयत का इतना अच्छा रिजल्ट आया कि तुम सोच भी नहीं सकते। और शाइना भाभी और सरमत भाई तो खुद हैरान थे कि ये क्या हुआ। यानी वाकई वहाँ तब्दीली आ चुकी है। जी हाँ बेटा, पहले तो बचपना था ना, अब तो मेरी बहू बहुत समझदार और होशियार हो गई है। बस अब तुम जल्दी से आ जाओ ताकि ये रौनक है फिर से हमारे घर में लग जाए, और अपनी बहू को जल्द से जल्द अपने पास ले आए। इंशाल्लाह बहुत जल्द वापस आऊँगा। अपना ख्याल रखना, और हाँ खाना जरा वक्त में खा लिया कर। तुझे आदत है ना देर से खाने की, अब वहाँ जाके भी ऐसे ना करना, ठीक है? अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। कैसे कहूँ तू बता, जाने जा मैं कौन हूँ ये तू बता, मैं क्या करूँ ओ मेहरबान। आयत मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, आज तुम्हारे मामू असद का फ़ोन आया था। वो लोग अगले हफ्ते पाकिस्तान आ रहे हैं। पता है ना उन्होंने मुझसे क्या कहा? क्या? वो अपने बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता मांग रहे थे, लेकिन मैंने तो उन्हें साफ मना कर दिया। मैंने उन्हें कहा कि आयत का रिश्ता तो पहले से तय है। मेरा रिश्ता तय है? किससे? जब तुम छोटी सी थी ना तो तुम्हारे दादा दादी ने तुम्हारा रिश्ता आयान के लिए मांग लिया था। आयान? नहीं मामा, आप मेरी मर्जी के बगैर मेरा रिश्ता कैसे तय कर सकती है? मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मेरी मर्जी के बगैर नहीं कर सकती आप। नहीं। क्या हो गया तुम्हें? आयान में क्या बुराई है? अच्छा खासा पढ़ा लिखा खूबसूरत सा लड़का है, क्यों मना कर रही हो? ये झूठ मत बोलो, ये हरकत सिर्फ तुम ही कर सकती हो। और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे कमरे में जाने की? हाँ बाजू छोड़े मेरा। छोड़ूंगा तो नहीं तुम्हें। अब आइंदा मेरे कमरे में या मेरी किसी भी चीज के पास गई ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझी? दर्द हो रहा है, छोड़े बाजू। दर्द तो तुम्हें इतना दूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगी। खुद तो किसी काबिल हो नहीं और दूसरों की काबिलियत से जलती हो। अयान अहमद तुम जैसी चीप लड़कियों को हैंडल करना जानता है, समझी? हम तो इस फैसले से इतने मुतमईन थे, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। मैं तो ये सोच के परेशान हो रही हूँ कि फराह भाभी और अहमद भाई को पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा। उसने इनकार कर दिया है। मेरा ख्याल है जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए बच्चों के साथ। तुम ऐसा करो अपने भाई को हाँ कर दो। एक्चुअली बुरी नज़र वालों का साया जो है ना वो जो कम हो गया था। आप बताएं मिस कर रहे हैं घर को? देसी खाना याद आ रहा है ना? मैं तो रोजाना खा रही हूँ। यकीन करें भाभी जान, हमारी तो दिली ख्वाहिश थी कि आयत शादी के बाद भी इस घर में रहती, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसे क्या हो गया। वो मेरी बात ही नहीं मान रही। चाची जान मैं जानता हूँ कि उसे क्या हुआ। मैं तो उसे समझा समझा के थक गई हूँ, मगर वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं। कहती है कि वो आयान से शादी नहीं करेगी। आयान घर का बच्चा है। हम तो इस फैसले से इतने मुतमईन थे, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। मैं तो ये सोच के परेशान हो रही हूँ कि फराह भाभी और अहमद भाई को पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा। वो आयत को अपनी बेटी की तरह समझते हैं, उसे कितना प्यार करते हैं। वाकई बात तो शर्मिंदगी की है। अयान लड़का होकर परदेश में रहने के बावजूद अपने वालदैन की रज़ा में राज़ी है और एक हमारी बेटी है। सारी गलती मेरी है। मुझे आयत के सामने असद भाई के रिश्ते की बात करनी नहीं चाहिए थी। अरे वो तो शुक्र हुआ कि ये बात हो गई और ये सब सामने आ गया। अच्छा तुम ऐसा करो, एक दफ़ा फिर उससे बात करो, अगर मान जाती है तो ठीक है, नहीं तो भाईजान से माजूरत करेंगे। आपकी बेटी ने तो मुझे तंग करके रखा है। मुझे समझ में नहीं आता कि और कितने लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। आया, अस्सलाम वालेकुम बड़ी मामा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? क्या बात है, हमसे खफा हो तो? नहीं तो फिर तुम हमसे मिलने क्यों नहीं आते? ना हमसे मिलती हो, ना हमारे पास बैठती हो, ना हमसे बातचीत करती हो, ऐसा क्या हुआ? सॉरी बड़ी मामा, ना जाने में हुआ होगा क्योंकि शायद पढ़ाई में बिजी हूँ। आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ओके मेरी जान। अच्छा ये बताओ, तुम अयान से रिश्ते के लिए क्यों मना कर रही हो? नहीं कोई ख़ास वजह नहीं है, बस मेरा दिल नहीं मान रहा है। और बड़ी मामा प्लीज़ मुझसे ज़्यादा सवाल ना कीजिएगा, मैं आपको ज़्यादा जवाब नहीं दे पाऊँगी। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, जैसे तुम्हारी खुशी। हम तो अपने बच्चों की खुशी में खुशियाँ ढूंढते हैं। खुश हो? ठीक है बड़ी मामा। भाभी मुझे बताए ना, क्या कहा आयत ने? उसने इनकार कर दिया है। मेरा ख्याल है जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए बच्चों के साथ। तुम ऐसा करो, अपने भाई को हाँ कर दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसने क्यों ज़िद पकड़ ली है, मेरी बात क्यों नहीं मान रही। तो क्या हो गया शायना, ताया के घर जाए या मामू के घर, बात तो एक ही है ना, रहेगी तो हमारी आंखों के सामने। आप यकीन जाने भाभी, मैं आपके सामने बहुत शर्मिंदा हूँ और सरमद भी बहुत परेशान है। बस समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। अरे क्या हो गया, क्यों सफाइयाँ दे रही हो? बस तुम ऐसा करो, रिश्ता पक्का करो, हम है ना मिलके शादी की तैयारियाँ करेंगे। सहन मेरे भाई का बेटा है, लेकिन आप मेरी बात का यकीन करें, आयान से बढ़कर मुझे कोई भी नहीं है। कोई बात नहीं शायना, तुम क्यों शर्मिंदा हो रहे हो? बच्चों की ख्वाहिश के आगे तो हमें सर झुकाना ही पड़ता है ना। आप बहुत बड़े दिल की हैं। अरे ना कर। ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है? हेलो। हेलो, कैसी हो आयत? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मुबारक हो, रिश्ता तय हो गया तुम्हारा। थैंक्स। खुश हो? बहुत। अच्छी बात है, सुना है बहुत लाइक भी हो गई, बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। वो तो होना ही था ना, एक्चुअली बुरी नज़र वालों का साया जो है ना, वो जो कम हो गया था। आप बताएं, मिस कर रहे हैं घर को? देसी खाना याद आ रहा है ना? मैं तो रोजाना खा रही हूँ। साहब जी वो आ गए। कौन आ गए? अयान भैया आ गए। क्या? मेरा बेटा अयान आ गया। मानी के बच्चे, मुझे देखती तो अंदर भाग आए। जाके टैक्सी से सामान उतारो, उसको पैसे भी दे देना। अयान, वालेकुम सलाम, मेरा बच्चा आ गया। आते ही चोट लगा दी ना अपने को। अरे बात सुनो, तुम बताया नहीं मुझे, कोई इतना भी नहीं दिया मुझे। अगर इतना दे देता तो इतना बड़ा सरप्राइज कैसे मिलता? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। जैसे दान वालेकुम सलाम। खुश रहो, यकीन करो तुम्हें अचानक क्यों अपने सामने देखकर मैं तो बहुत खुश हुई, ऐसा लग रहा है कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। अरे सब लोग खड़े क्यों, अरे बैठ जाओ, मेरे बेटे को भी बैठने दो। बैठो बैठो बैठो। तो फिर कैसा रहा भाई तुम्हारा सफर वगैरह? आन के आते सब मुझे भुला चुके, जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती, इस फैमिली की मेंबर हो ही नहीं। जब न जाना तो क्या बताना भी जरूरी नहीं समझा। यकीन करें भाभी जान, हमारी तो दिली ख्वाहिश थी कि आयत शादी के बाद भी इस घर में रहती, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसे क्या हो गया, वो मेरी बात ही नहीं मान रही। चाची जान, मैं जानता हूँ कि उसे क्या हुआ। क्या मतलब? क्या? जरूर तुमने उसे कुछ कहा होगा, मुझे पता है ना ये हमेशा उसे तंग करता रहता है। अम्मी अब नाराज किया तो मनाने का काम भी तो मेरा ही होगा। आयान, क्या तुम सच कह रहे हो कि तुम उसे मना लोगे? इसका मतलब है कि मैं असद भाई को रिश्ते के लिए अभी हामी ना भरूँ ना? जी मैं मना लूंगा चाची जान, इसीलिए तो अचानक आना पड़ा। अरे तो जा ना बेटा, जाकर मेरी बहू को मना के ले आ। मैं चाहती हूँ इस ईद का चांद ना मेरे घर में खुशियाँ लेकर आए। अरे आयान, ये ईद हमारे लिए खुशियों का पैगाम लेके आएगी अगर तुमने ये काम कर लिया तो। चलो जाओ 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 जाओ। भाभी जान, अगर आयत मान गई ना तो मैं तो बहुत खुश होंगी। मेरी भी। आयत भी आपको कुछ चाहिए तो नहीं? मैं जरा दुकान तक जा रहा हूँ। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी कौन सा मुझसे पूछ के जाते हो? जा। असल में घर में कोई है नहीं तो इसीलिए मैं सोचा आप ही से पूछ लूं। कोई नहीं है? कहाँ गए सारे? आपको नहीं पता? अयान भाई की शादी होने लगी है तो सारे शॉपिंग पे गए हुए हैं। शादी? किससे? पता नहीं, उनकी कोई क्लास फेलो है, वो दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं। अच्छा, तो हजरत वहाँ पे मोहब्बत करने गए थे, पढ़ाई नहीं। मैं जाऊँ बाजी? हाँ जाओ जाओ। मोहब्बत करने क्या था, शादी करने के लिए आया। फिर मुझे क्या? आयत, आयत मेरी बात तो सुनो। क्या है? तुमने मुझसे शादी करने से इनकार क्यों किया? आपकी वजह से ऑब्वियसली। सारी दुनिया के सामने आप फर्माबरदार है और मैं नलायक और जिद्दी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। आपके आते हर एक का रवैया मुझसे बदल जाता है और आपके जाने से जो जरा सी टेंशन मुझे मिली थी ना, वो आपके आने से खत्म हो गई है, जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती। अच्छा आयत, देखो यहाँ बैठो। देखो सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मगर ये तुम्हारा सेल्फ विक्टिम बनने का मसला है ना, इसका इलाज नहीं किसी के पास। मुझे कोई ऐसा मसला नहीं है, ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है, पता है ना आपको। शादी से इनकार तुमने किया, सबके दिल तुमने तोड़े और इल्जाम मुझ पर। तो इनकार भी तो मैंने आपकी वजह से किया था ना, आपने कहा था मुझे कि मेरे सामने मत आना, मेरी चीजों से दूर रहो, मेरे कमरे में मत आना, उसका क्या? अरे यार तब मैं बहुत गुस्से में था और तुमने भी तो वैसे भी बाबा से इतनी बुरी तरह मुझे डांट पड़वाई थी। और आपने उसका बदला ले लिया ना। खैर अब तो आपकी मर्जी की लड़की से आपकी शादी हो रही है ना, गुजरी हुई बातों का फायदा। हाँ, मोहब्बत तो मैं उससे कई सालों से करता आ रहा हूँ, लेकिन उसका दिमाग थोड़ा कमजोर है और करीब की नजर भी, उसे अंदाजा ही नहीं हो पा रहा मेरी मोहब्बत का। तो उससे शादी कर रहे हैं आप, उसे बता दें। कब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उस नालायक लड़की के दिमाग में ये बात आ ही नहीं रही। क्या मतलब? आयत, आई लव यू। मैं हमेशा तुमसे ही मोहब्बत करता आया। जैसे ही मुझे पता लगा कि तुमने किसी और से शादी करने के लिए हाँ कर दी तो मुझसे रहा नहीं किया और मैं भागा चला आया। वो तो आप किसी और से मोहब्बत नहीं करते? मैंने ही मानी को कहा था तुमसे झूठ बोलने। लेकिन मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती और ना ही मुझे आपसे शादी करनी है। झूठ बोल रही हो तुम। इधर देखो मेरी तरफ, मेरी आंखों में देखकर बोलो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। बहुत तेज हैं आप। आयत, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। मान जाओ ना, सही बताऊं तो तुम्हें तंग किए बगैर मुझसे रहा भी नहीं चाहती। आप सिगरेट पीते हैं, मुझे सिगरेट पीने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। सॉरी। अरे वो तो बहुत पुरानी बात है और सिर्फ एक बार दोस्तों के साथ ट्राई किया था और तुमने बाबा से ऐसी डांट पड़वाई थी कि दोबारा हिम्मत नहीं पड़ी मुझ में। और आपने जो मुझसे बदला लिया था उसका क्या? हमेशा मुझे नालायक कहा कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, हमेशा मेरा मजाक उड़ाते रहे। अगर मैं वो सब ना कहता तो तुम एमबीए करती? मेरी जिद में तुमने एमबीए में इतना अच्छा सीजीपीए लिया है। ऐसा ही है ना? अब मुझसे मोहब्बत का इकरार करो और शादी के लिए हाँ भी कर दो ताकि ये ईद मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ले आए, क्योंकि ज़िंदगी में यही तो प्यार है। मैं क्या हूँ कैसे कहूँ तू बता। आयत, will you marry me? मैं कौन हूँ ये तू बता। मैं क्या करूँ ओ मेहरबान, तुम पे फिदा कब से हुए ये मान लो ओ मेहरबान। बारिशों के पानी से ऐसी मोहब्बत हुई है तेरी पलक। किरण, बिज़नेस से ज़्यादा तुम्हारी सेहत ज़रूरी है। बिज़नेस तो कोई भी देख लेगा, लेकिन मुझे मेरी किरण सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दैट इज़ दैट। कैसी हो? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ और तुम अब आ रहे हो। बहुत हो चुका है आशिर, कब तुम अपनी जान छुड़ाओगे इस मुसीबत से? हफ्ता हफ्ता तक तो तुम मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाते हो और उसकी खिदमत में लगे रहते हो, लेकिन फिर भी वो तुमसे पाई पाई का हिसाब रखती है। क्रेडिट कार्ड मैंने ब्लॉक करवाया आशिर। क्यों? तुमने क्यों ब्लॉक करवाया? डैड के कहने पे। डैड को लगता है कि अब मुझे मजीद तुम्हें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। भला उसे रास्ते से हटा के हमें क्या मिलेगा? ज्वाइंट अकाउंट में जो रकम है वो तो मिलेगी ना। अच्छा ये बताओ कि मूवी कौन सी देखें, सस्पेंस मूवी या फिर लव स्टोरी? आई थिंक फिक्शन देखते हैं। फिक्शन? रियली? आप जना, आपको कब से फिक्शन मूवीज में इंटरेस्ट हो गया? मैं यहाँ 2 दिन से बीमार पड़ी हुई हूँ और तुम वहाँ अपनी पहली बीवी के साथ मजे कर रहे हो। तुम्हें पता भी है मैं क्या करने जा रहा हूँ?